Okay, students, today we will read My World book for class 5th students और chapter number 1 जो कि सम organ system. हम कल पढ़े थे थोड़ा दो paragraph, तो आज पढ़ेंगे the digestive system. ठीक है, आज पढ़ेंगे digestive system, तो चलो पढ़ते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या याद रखना है तुम्हें? डाइजेस्टिव का स्पेलिंग डी आई जी ई एस टी आई वी ई, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पता है आप लोगों को. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द बॉडी, इट हैज टू बी चेंज्ड इनटू ए फॉर्म दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए फॉर्म that the body can absorb is called digestion. The organs which work together to digest food from the digestive system, they are the mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine and large intestine. Okay, चलो समझते हैं क्या है. The food वी ईट, फूड मतलब सबको पता है खाना, वी ईट जो खाते हैं, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द बॉडी, मतलब बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप आम खा लिए, तो डायरेक्टली आम हमारे ब्लड में जाता है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली नहीं पहुंचता, तो काम में नहीं आता. इट हैज टू चेंज इनटू ए फॉर्म, ये आम को क्या होगा करना होगा, इसको खुद को चेंज होना होगा, चेंज इनटू ए फॉर्म दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज. क्या करना होगा, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एक फॉर्म में चेंज होना पड़ता है जो कि हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा. एब्जॉर्ब का स्पेलिंग क्या है? ए बी एस ओ आर बी, एब्जॉर्ब मतलब हमारे शरीर में ब्लड में मिल जाएगा. ठीक है, एंड यूज जो कि काम में आएगा. द प्रोसेस, प्रोसेस का स्पेलिंग याद रखना है. द प्रोसेस मतलब जिस तरीके से ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब जिस प्रक्रिया जिस प्रोसेस से जो फूड चेंज होता है, फूड से ऐसा एक फॉर्म को जो कि हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है, बॉडी में ब्लड में मिल घुल जा सकता है, इज कॉल्ड डाइजेशन. समझ में आ गया? जो प्रोसेस से हम जो खाते हैं वो फूड हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जा सकता है, उसको बोलते हैं वो प्रोसेस को डाइजेशन. ओके, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डाइजेशन, तो आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन. समझ में आया? चलो देखते हैं. द ऑर्गन्स व्हिच वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन्स मतलब जो अंग विच वर्क टूगेदर, मतलब जितने सारे अंग मतलब जैसे पार्ट्स विच वर्क टूगेदर टू डाइजेस्ट फूड, जो एक साथ काम करते हैं किस लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, हजम करने के लिए. डाइजेस्ट मतलब हिंदी में हजम, उड़िया में हजमा. ओके, फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो कौन कौन से है देखते हैं. दे आर द माउथ, फूड पाइप, माउथ मतलब सबको पता है हमारे मुंह, फूड पाइप मतलब जिस पाइप के थ्रू खाना अंदर जाता है, स्टोमक मतलब जठर पाकस्थली, लीवर मतलब उड़िया में जकृतों कहते जो लीवर. ओके, पैनक्रियस अग्नाशय. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो कि फूड पाइप, ये भी एक फूड पाइप है, लार्ज इंटेस्टाइन
ये भी एक फूड पाइप है, आगे देखेंगे पिक्चर में पता चलेगा सबको, ठीक है। तो ये सब जो है ना ऑर्गन से अलग अलग, माउथ एक ऑर्गन है, फूड पाइप एक ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, पंक्रियास एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये सब अलग अलग ऑर्गन से, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो आज पढ़ेंगे द माउथ, चलो देखते हैं द माउथ। द माउथ में क्या है, स्पेलिंग तो पता है सबको, द माउथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। तो डाइजेशन कहां पे शुरू होता है, स्टार्ट्स इन द माउथ, माउथ से शुरू होता है। कैसे, व्हेन वी च्यू फूड, क्या करते हैं हम लोग खाना जैसे मुंह में डालते हैं, क्या होता है, अंदर ही चला जाता है, नो क्या करते हैं हम उसको, च्यू मतलब चबाते हैं, आवर टीथ ब्रेक्स इट इनटू स्मॉल बिट्स, हमारे दांत क्या करते हैं, चबा के इसको स्मॉल बिट्स बनाते हैं, कौन बनाता है, दांत या हमारा जीवा, टंग बनाता है क्या, नो यस, हमारे दांत, हमारे टीथ क्या करता है, इसको तोड़ता है, जो खाना खाते हम इसको छोटे छोटे पीस में बनाता है। द सलाइवा वेट्स द बिट्स ऑफ फूड टू फॉर्म ए पेस्ट, सलाइवा मतलब इसका स्पेलिंग याद रखना है, सलाइवा एस ए एल आई वी ए, ऐसे बोल सकते हो या सलाइवा बोल सकते हो, ठीक है। वेट्स, वेट्स मतलब भिगाता है हमारे लार, जो कि लाड़ो बोलते हैं आप लोग, ये लार क्या करता है, वेट्स द बिट्स, किसके करता है, जो भी छोटा छोटा पीस हो गया उसको भिगाता है, अब द फूड जो खाने का, फूड का छोटा छोटा पीस उसको भिगाता है, टू फॉर्म ए पेस्ट, क्या क्या करता है, इसको पेस्ट करता है, पेस्ट मतलब एक थिक सा लिक्विड फॉर्म मान लो, पेस्ट आपको जैसे ब्रश करते हो ना वैसे एक पेस्ट होता है। द टंग, टंग क्या करता है, द टंग रोल्स द पेस्ट इनटू ए बॉल एंड पुशेस इट इनटू द फूड पाइप, क्या करता है हमारे टंग उसको मिला के राउंड राउंड करके उसको गोल सा बना देता है, रोल जैसा बना देता है पेस्ट को, उसके बाद क्या करता है, बॉल जैसा बना देता है, उसके बाद पुशेस मतलब धकेल देता है इट इनटू द फूड पाइप, हमारे फूड पाइप जो कि इसोफेगस बोलते हैं उसके अंदर इसको धकेल देता है। द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टेस्ट फूड, और क्या करता है टंग, टंग के वजह से या नोज के वजह से, शायद नोज के वजह से हमारा टेस्ट पता चलता है ये तीखा है मीठा है, राइट, नो हमें कैसे पता चलता है, हमारे टंग्स के वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी फूड जैसे कि आम नमकीन रहता है, नींबू मीठा रहता है, ऐसा क्या, नो, नींबू खट्टा रहता है, आम मीठा या खट्टा रहता है, ये सब, करेला पीता रहता है, टिक बोलते हैं जो, तो ये सब कैसे पता चलता है, टंग की वजह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, एन एडल्ट हैज 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ, जॉ मतलब देखो ये सब जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीथ, और जॉ क्या बोलते हैं, ऊपर जो लाइन से उसको अपर जॉ और नीचे का जो लाइन रहता है उसको लोअर जॉ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर 16 रहता है नीचे 16 रहता है, 16 ऊपर 16 नीचे, ओके। चिल्ड्रन हैव फ्यूअर टीथ, जब बच्चे पैदा होते हैं उनके शायद ऊपर 16 दांत रहता है नीचे 16 दांत रहता है, नहीं ना, राइट, बच्चों का नहीं रहता है पहले पैदा होते हैं उसके बाद थोड़े थोड़े निकलते हैं। द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ हैव शार्प एड्स, तो फोर मतलब ये दो नीचे का दो, ठीक है, ये चार ऊपर का चार नीचे का चार, तो ये कैसा रहता है, द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, दोनों जॉ में क्या रहता है, हैव शार्प एड्स, वो तीखा रहता है। वी यूज देम टू बाइट इनटू थिंग्स, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, चबाते हैं, यूज देम टू बाइट इनटू थिंग्स, दे आर कॉल्ड इंसिसर मतलब काटते हैं, इंसिसर मतलब
ये दांतों को, चार दांतों को क्या बोलते हैं, ये चार दांतों को देखो इंसिसर, ओके, तो ये क्या करता है, इसको काटता है। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिजर्स आर टीथ विथ पॉइंटेड एड्स, ये तो सात प्रत्यय, उसके बाद पॉइंटेड, देखो ये दोनों दांत एक है और ये एक है, पॉइंटेड रहता है, ठीक है, शार्प रहता है। दीज आर कॉल्ड कैनिन्स, इसको कैनिन टीथ कहते हैं। दे आर फोर ऑफ देम इन ऑल, जैसे कि ऊपर दो रहता है, नीचे का दो रहता है, ठीक है, तो पॉइंटेड रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कैनिन्स। देखो आप लोगों को याद रखना है इंसिसर्स, कैनिन, ठीक है, ये सब स्पेलिंग याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू ईच कैनिन देर आर फाइव फ्लैट लार्ज टीथ, ये जो इंसिजर हो गया, ये चार हो गया इंसिजर, उसके बाद हो गया कैनिन, उसके बाद क्या रहता है, कितना, पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच रहता है, ठीक है, जो कि फ्लैट रहता है, देख रहे हो फ्लैट है, अभी पूरा फ्लैट, यहां पे फ्लैट, यहां पे फ्लैट, ठीक है। द फर्स्ट टू आर कॉल्ड प्रीमोलर, मतलब ये एक दो, ये दो क्या बोलते हैं इसको, प्रीमोलर्स, स्पेलिंग याद रखना है। द नेक्स्ट थ्री टीथ, मतलब वन टू थ्री, ये तीन टीथ जो है इसको बोलते हैं मोलर्स, ये तीन हो गया मोलर्स, ये पहले का दो हो गया प्रीमोलर्स, प्री मतलब पहले, मोलर के पहले जो है प्रीमोलर्स, ठीक है। वी यूज दिस टीथ फॉर ग्राइंडिंग और च्यूइंग फूड इनटू टीनी पीसेस, इसमें क्या होता है, ये जो फ्लैट मोलर से प्रीमोलर से, इसमें क्या होता है, हम लोग उसको चबा के क्या करता है, छोटे छोटे पीस बना देते हैं, ठीक है। दे आर एट प्रीमोलर्स एंड ट्वेल्व मोलर्स इन ऑल, देखो नीचे लेफ्ट में तीन, राइट में तीन, छह ऊपर लेफ्ट में तीन, ऊपर राइट में तीन, छह छह बारह, ट्वेल्व टीथ क्या हो गया, मोलर टीथ, और पहले का लेफ्ट में दो, राइट में दो, ऊपर भी लेफ्ट में दो, राइट में दो, कितना हो गया, एट, एट प्रीमोलर टीथ रहते, ठीक है। तो समझ में आया आज क्या क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है, जो प्रोसेस से हम लोग जो खाते हैं उस फूड को चेंज करके जिस प्रोसेस से खाना हमारे बॉडी में अब्जर्व होता है उसको कहते हैं सिस्टम को डाइजेशन। उसमें क्या क्या रहते हैं पार्ट्स, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, द माउथ, इसमें क्या होता है, द माउथ, इससे डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, स्टार्ट्स इन द माउथ, ठीक है। उसके बाद हो गया, और इसमें कर पढ़ लेना, तो इसमें हमारा पहले माउथ में क्या होता है, एडल्ट का 32 टीथ रहता है, जिसमें कि ऊपर के जॉ, अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, और बच्चों का कितना रहता है, नहीं रहता, और आस्ते बढ़ते बढ़ते एक दो तीन चार ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो हमें सामने का चार चार टीथ, अपर जो और लोअर जो में चार चार, जो शार्प रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंसिजर, ठीक है। उसके बाद दो पॉइंटेड टीथ है, जिसको कहते हैं हम लोग कैनिन, जिसको कैनिन टीथ, ऊपर भी रहता है वैसे, ठीक है। उसके बाद दो टीथ रहता है प्रीमोलर, फ्लैट रहता है, और लेफ्ट में दो, राइट में दो, जिसको कि प्रीमोलर बोलते हैं, वैसे ऊपर भी रहता है, टोटल एट। नेक्स्ट होता है मोलर्स, तीन राइट में, तीन लेफ्ट में, ऊपर भी ऐसे तीन तीन, तो टोटल 12 जो रहता है मोलर्स, ठीक है। ऐसे हमारे बना है माउथ, और इसके साथ टंग है, टंग क्या करता है, जिसमें टंग को पता चलता है टेस्ट, और वो क्या करता है, उसको गोल गोल बना के, राउंडेड बना के अंदर धकेल लेता है हमारे फूड पाइप्स को के अंदर, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट पेज नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आप लोग इसका सभी का स्पेलिंग याद रख लेना, तो हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी का पढ़ेंगे, ओके। विश ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।